लेकिन संजीव, ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री की आपने बात कही ना, आई वॉज जस्ट यू नो मलिंग ओवर दैट स्टेटमेंट. विशाल सिक्का ने मैनेजमेंट कमेंट्री में जो स्टेटमेंट आती है उसमें ये कहा है दैट दे आर रनिंग इन टू सम एग्जीक्यूशन इश्यूज एंड ड्यू टू डिस्टर्बेंसेज द परफॉर्मेंस इज गेटिंग अफेक्टेड. यू लिंक इट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ को चेयरमैन जो कि पहली बार हुआ है इन्फोसिस में, आर वेंकटेशन. शुड वी रीड बिटवीन द लाइन्स इन वॉट मिस्टर सिक्का इज सेइंग? जी, इससे पहले तो हमने कभी देखा नहीं है कि दो को चेयरमैन हुए हैं. तो डेफिनेटली वी नीड टू गेट मोर क्लैरिटी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अपॉइंटमेंट ऑफ टू चेयरमैन, को चेयरमैन, व्हाट इज द रीजन. लेकिन इससे ज्यादा मैं ये क्लैरिटी चाहूंगा मैनेजमेंट की, व्हाट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दे आर सीइंग इन द एनवायरमेंट, और ये डिस्टर्बेंस क्या Q1 में भी रहेगा, Q2 में भी रहेगा. अगर मैनेजमेंट बोलती है कि जो हमने 6% या 8.5% का गाइडेंस दिया है वो बैकएंडेड ग्रोथ आएगा यानी कि सेकेंड हाफ में आएगा, तो मार्केट विल बी मोर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो रहता है आईटी सेक्टर के लिए वो स्ट्रांग रहता है. और मैनेजमेंट अगर बोलती है कि नहीं, पहला हाफ में हम इतना ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं और सेकेंड हाफ में आएगा, देन अगेन इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स फॉर FY18. तो ये सारी क्लैरिटी आएगी एक बार अगर मैनेजमेंट प्रेस ब्रीफिंग में या उसके बाद फोन कॉल में ये सब कमेंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए. सर, ये तो बात समझ में आई कि इन्फोसिस में EPS ग्रोथ अब देखने को नहीं मिल रही है, बहुत अब ग्रोथ में धीमापन देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड. अब 6 से 8% की ग्रोथ ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेवेन्यू टर्म्स में. लेकिन ओवरऑल अगर अब प्राइस परस्पेक्टिव से देखें, इसको क्वांटिफाई करना हो अगर नंबर में, तो वो क्या एक रेंज होगी जो आप समझते हैं कि इन्फोसिस मीडियम टर्म में पकड़ सकता है? क्या माने 850 और 1050 ये लेवल देखने को मिलेंगे स्टॉक में अब? जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है. अगर अभी अगर आप नंबर्स देखें FY18 या FY19 में, अगर आप बेस केस सिनारियो भी लेते हैं अराउंड 6% ग्रोथ का, तब भी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लोअर देन 15 times FY18. तो इतना डाउनसाइड रिस्क नहीं है. बट व्हाट इज वॉरिंग पार्ट इज अपसाइड कितना है. अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट By the end of let's say 6 or 8 months. तो that is worrying part. अगर कोई buyback बड़ा program आ जाता है कल, तो definitely एक spike up आएगा. लेकिन मैं पहले जैसे बोलता हूँ कि buyback alone cannot drive the stock performance sustainably. तो वो थोड़ा दिन का ही रहेगा. तो what is important कि operational performance improve होना चाहिए, earning performance improve होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक stock को sustainably perform कर सकते हैं Infosys का. वो अगर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आई डोंट सी एनी बिग अपसाइड फ्रॉम इन्फोसिस इन नेक्स्ट लेट्स से 6 to 8 months. चलिए, 2.5 महीने के निचले स्तर पे स्टॉक आ चुका है. 944 का लेवल 2.5% आज नीचे है, लेकिन ये 2.5 महीने का निचला स्तर है जो इन्फोसिस टेस्ट कर रहा है एट 944 लेवल. सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बात करने के लिए. लेकिन महेश जी, हम अर्निंग्स की ही बात कर रहे हैं, इन्फोसिस के नतीजे तो अब आ गए, ये तो है 944 के लेवल पे. लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड अगर नतीजों पे ही बेट लगानी हो तो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि अभी आउट परफॉर्म करेंगे इस तिमाही में भी और आने वाली कुछ तिमाहियों तक, जहां पर आपको लगता है रेवेन्यू विजिबिलिटी और बॉटम लाइन काफी स्ट्रॉन्ग दर्ज हो सकती है? सर, यस, ये क्वार्टर अगर देखा जाए तो ये क्वार्टर भी ओवरऑल मार्केट के लिए वैसे वीक ही रहेगा, ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है इस क्वार्टर में. बट उसमें भी अगर देखा जाए सेक्टर्स जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट ग्रोथ से ज्यादा हो सकती है, वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक है जो आई थिंक कंटिन्यू करेंगे अच्छी ग्रोथ दिखाने के लिए, स्पेशली जो रिटेल बैंक्स हैं. NBFCs में भी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए बिकॉज वहाँ पर भी टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी नीचे आ गई है, सो दैट सेक्टर लुक्स गुड. इवन ऑटो में भी यहाँ से आगे नेक्स्ट अगले 3-6 महीने के बाद रूरल डिमांड स्पेशली जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होने की अपेक्षा है. तो ऑटोज़ में बेसिकली फोर व्हीलर्स और इवन टू व्हीलर्स ऑल्सो कुड सी इम्प्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड. उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल कंजम्पशन जो है, जो कंजम्पशन अगर देखा जाए लास्ट 1-2 साल में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एक तो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था रिसेंटली, बट उसके पहले भी रूरल ग्रोथ जो स्लो हो गई थी, आई थिंक रूरल डिमांड एक तरह से उभर के आने की उम्मीद है. फार्म इनकम्स लेवल ठीक ठाक है, रियल वेजेस जो फार्मर के हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो फोकस है रूरल और एग्री सेक्टर में उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल
वगैरह जो सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेटल्स में भी प्राइसेस वगैरह काफ़ी स्टेडी है और मेटल्स में भी कंपनीज़ जो हाई डेट है, कोई नए कैपिटल एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है तो काफ़ी डेट नीचे आ सकती है, उसके कारण लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में भी अगर प्राइसिंग अगर जिस तरह से अभी बॉटम आउट हो गई है अगर वो आगे कंटिन्यू रहेंगी और डिमांड जैसे पिकअप होगा, आई मीन हाउसिंग का, हाउसिंग अभी मार्केट करंटली वीक है बट अफोर्डेबल हाउसिंग पे जिस तरह से गवर्नमेंट फोकस कर रही है उससे डिमांड इम्प्रूव होने की काफ़ी अपेक्षा है, तो सीमेंट में भी अच्छी ग्रोथ दिखनी चाहिए। सो आई थिंक ये जो सेक्टर्स है मेनली डोमेस्टिक फोकस जो सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है उसमें ग्रोथ FY18 में अच्छी आनी चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द ग्रोथ यू विल सी इट इन सेकेंड हाफ ऑफ FY18। बिल्कुल मानस, सिमी आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का सुपर शेयर देखते हैं, उसके बाद देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, आज जो कंपनी चुनी गई है वो प्लास्टिक कारोबार से है, हाईटेक प्लास्ट को चुना है। चुनने की वजह, पहले कंपनी का एक मेजर बिजनेस है, प्लास्टिक के अंदर कारोबार है, केमिकल में कारोबार है और इसके अलावा इंश्योरेंस में भी कारोबार है कंपनी का। मेजरली कंपनी मरीन और एविएशन स्पेस के जो बड़े बड़े इंश्योरेंस हैं वो करती है, केमिकल में भी कंपनी जो सप्लायर है एंसिलरी सप्लायर से कई बड़ी कंपनीज के लिए, और प्लास्टिक डिवीज़न में कंपनी के मेजर क्लाइंट्स जो है उसमें बर्जर, एशियन पेंट जैसी जो कंपनियाँ हैं या फिर पेंट स्पेस में या अलग अलग FMCG स्पेस में जो कंपनीज हैं उनको कंपनी केटर करती है प्लास्टिक डिवीज़न के थ्रू। करीब करीब 13 कंपनी के प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में अक्रॉस, और करीब 15 से 17 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे कंपनी जिनके थ्रू सप्लाई करती है पूरे इंडिया में। तो एक बड़े क्लाइंटल के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड थे लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है Q4 के मुनाफे में करीब करीब दोगुना कंपनी का मुनाफा होता दिखाई पड़ेगा और ऑपरेटिंग मार्जिन भी रफली 9 से 10% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 17.5 रुपये के आसपास ही कैश EPS है। डेट 30% कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर रिड्यूस किया है। वैल्यू वाइज देखिए तो FY18 के लिए करीब करीब 12 रुपए की EPS और महज 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छी वैल्यूएशन भी अवेलेबल है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया जा रहा है उनका मानना है करीब करीब 200 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो इस काउंटर पर नजर रखिएगा। हाईटेक प्लस फिलहाल 176 के आसपास, लेकिन देखिए रजत हमने जो बात करी थी आज निफ्टी घुमा है 9170 से, वहां तक फिसला था और वहां से घुमा है, लेकिन इंफोसिस पर हमने जो बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फोसिस स्लिपिंग फर्दर ड्यूरिंग द ट्रेड इज हायर, वही हो रहा है। अब देखिए दिन के लोएस्ट लेवल पर 2.5% नीचे इन्फोसिस 945 का लेवल यहाँ पर, और 12 से 15 पॉइंट्स का नुकसान ये निफ्टी को इस समय दे रहा है। देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं, देवेन शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले तो इन्फोसिस पर आपकी राय। थैंक यू मीर। या मीर, आई थिंक जो नतीजा है वो ठीक है, आई थिंक मैं नहीं समझता कि उसके कोई अंदर कोई ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बट आई थिंक जो गाइडेंस दी गई है कंपनी ने, आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस जो उम्मीद की जा रही थी कि करीब 8.5% के बीच में दी जाएगी उसकी जगह पे 6.5% के आसपास आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस आई है, और इवन द प्रॉफिट की गाइडेंस भी आई थिंक कंपेरेटिवली लोअर रही है, इंक्लूडिंग आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन ये क्वार्टर के अंदर डाउन रहे। So I think we'll have to wait and see the commentary of the management as to what are they doing to arrest this particular fall into the profit margins. जहाँ तक मेरा समझना है कंपनी का, the way in which they are changing their business model, they are in a transitionary space. From enterprise solution activities, the legacy systems that they have been operating with, their clients are moving on to the cloud. और वो cloud के ऊपर जो softwares है वो I think rewrite किए जा रहे हैं मेरे ख्याल से। On one side they will have got the business, but on the other side I think they will have challenges also, because I think in such situation when you are changing the model I think you probably stretch little bit more on the resources, so वहाँ पर थोड़ा margin stretch हो सकता है। At the same time currency movement जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी इंडिया का रुपी जो है वो stronger देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आई थिंक थोड़ी चैलेंजेस मार्जिन के ऊपर आ सकती है। सो आई थिंक दैट इज़ अ व्यू पॉइंट दैट वी आर कैरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मे बी वी लेट टू सी हाउ बेसिकली गिविंग बैक दिस 13,000 crores टू शेयरहोल्डर्स वुड रिजल्ट इन टू स्टेबिलिटी इन टू द स्टॉक प्राइस, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन अलॉन्ग विद द गाइडेंस। बट देवेन सर, अब इसके लिए आप समझें क्या IT सेक्टर पे जिनका एक्सपोजर है, जिन पे इन्वेस्टर्स के पास, निवेशकों के पास शेयर्स हैं, क्या उनको होल्ड करना चाहिए या फिर कुछ बेटर प्रॉस्पेक्ट किसी और सेक्टर मिल रहे हो तो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेनी चाहिए? ग्रोथ आउटलुक क्या है ही नहीं अब इन कंपनियों में,
अब टैकल कैसे करें अपनी पूरी सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को? मेरे ख्याल से इवेंट ड्रिवन आई थिंक अपसाइड आ सकती है इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर, पर्टिकुलरली कि जहाँ पे कंपनियाँ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रही है, सो आई थिंक वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ड्रिवन या इवेंट ड्रिवन अपसाइड आ सकती है। अदरवाइज आई थिंक अराउंड 10-15% के आसपास का एक बॉल पार्क रेंज है, वो रेंज के अंदर आईटी कंपनीज के स्टॉक प्राइस यहाँ पे मूव होते रहेंगे। डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट के कोई कारण से डाउनसाइड कितना आता है, बिकॉज आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो रोटेट कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि दे मे प्रॉबली वॉन्ट टू एग्जिट। तो इन सच सिचुएशन वेन दे आर एग्जिटिंग द काउंटर्स इन आईटी कंपनीज पर्टिकुलरली एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिंग ओनली टू इन्फोसिस, दैट स्टॉक प्राइस कैन पॉसिबली आई थिंक गो डाउन फर्दर देन वॉट वी कैन ऑल एंटिसिपेट। मेरा ऐसा मानना है कि करंटली आईटी कंपनीज के अंदर से कैश निकल के जो दूसरी कंपनीज के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पे डिप्लॉय होने की शुरुआत हो चुकी है। सो मे बी आई थिंक वन यू टू कीप एन आई ऑन इट एज टू हाउ मच सेलिंग प्रेशर कैन कम ऑन टू सम ऑफ द आईटी कंपनीज, बट क्लियरली आई सी इट इज़ गोइंग टू बी अ साइडवर्ड मूवमेंट्स, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ड्रैग एज फार एज द प्राइस आउटलुक इज कंसर्न। इस बीच महेश भी हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव आई एम कमिंग टू यू, लेकिन महेश पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यू नो इन सब के बीच मार्केट चाहे वॉलेटाइल रहा हो, ऑब्वियसली अभी Q4 नंबर्स चल रहे हैं, हमने देखा इससे पहले डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला था, कल का जो IIP डेटा है दैट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी एनकरेजिंग। द ओनली एनकरेजिंग नंबर दैट वी हैव राइट नाउ इज FY17 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिस तरह का इनफ्लो, डोमेस्टिक इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स के रूट से इंडियन मार्केट में आया है, दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल। आप इसे कंटिन्यू होता देख रहे हैं क्या? या सो डोमेस्टिक मार्केट में जो इन्फ्लो आ रहा है वो अभी के नहीं है, इट्स कमिंग इन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स स्टेडी इन्फ्लो आ रहा है, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा उसमें और भी इंक्रीज हुई है, बिकॉज जो पैसा इन्वेस्टर का बैंक में रखा हुआ था बैंक्स में और फिक्स डिपॉजिट में था, और डिमोनेटाइजेशन के बाद देखा है कि फिक्स डिपॉजिट रेट्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो वो पैसा अभी लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, और वो पैसा उभर के मार्केट में आ रहा है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जा रहा है। आई थिंक वो जो ट्रेंड दिखने को मिल रही है, आई थिंक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगी लॉन्गर टर्म के लिए, बिकॉज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ओनरशिप अगर देखें फाइनेंशियल एसेट्स और पर्टिकुलरली इक्विटीज़ में अभी भी बहुत कम है, और जैसे इसमें अगर इंक्रीज होती रहेंगी तो लॉन्गर टर्म मनी आई थिंक विल कंटिन्यू। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखी जा रही है कि जो पैसा आ रहा है वो काफ़ी हद से SIP रूट में आ रहा है, तो अभी इंडस्ट्री की SIP बुक जो है वो लगभग 5,500 करोड़ के आसपास है, मंथली रन रेट चल रही है, तो उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नॉर्मली नहीं दिखने को मिलती है। सो आई थिंक लिक्विडिटी जिस तरह से अच्छी है, और बाकी जो फिजिकल एसेट्स जो है जैसे कि रियल इस्टेट, गोल्ड, जहाँ पर भी रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टर का झुकाव थोड़ा हद तक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ रहेगा, उसमें बोथ इक्विटी और डेट दोनों में इन्फ्लोज आ रहे हैं एंड वो कंटिन्यू होने की आसार दिख रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट 2-3 ईयर परस्पेक्टिव के हिसाब से।